हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे कार्यपत्रक 5। विषय हिंदी रहेगा और कक्षा 8 के बच्चों के लिए ये वर्कशीट है जो कि आपके लिए 20 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम नया चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को समय से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फटाफट से अपना काम कंप्लीट कर सको। सो आज की वर्कशीट में हम क्या करेंगे, हम पाठ्य पुस्तक वसंत का तीसरा पाठ करेंगे और तीसरे पाठ का नाम क्या है, बस की यात्रा। ठीक है, उसका प्रथम भाग जो है आज हम इस वर्कशीट के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। यह जो पाठ है बस की यात्रा, हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्य रचना है। व्यंग्य का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें कटाक्ष किया जाता है, कमेंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, व्यंग्य एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते, ठीक, बल्कि उसे इस प्रकार घुमा फिरा कर कहते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारी बातों को वह समझ जाए। तो हम अपने दैनिक जीवन में भी कई बार इस जो कटाक्ष है, व्यंग्य है, इसका प्रयोग करते हैं। किसी को हमें कोई बात कहनी होती है तो कई बार हम जो है उसको व्यंग्य के रूप में कहते हैं, यानी अगले को बुरा भी ना लगे और वो हमारी बातों को समझ भी जाए। इस पाठ में भी लेखक व्यंग्य का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गहरा चोट करते हैं। तो इसमें भी लेखक जो हरिशंकर परसाई जी हैं, उन्होंने जो भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है, यानी यहाँ की जो व्यवस्था है, परिवहन व्यवस्था भारत की, वो थोड़ी चरमराई हुई है और उसी व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो आइए पाठ को समझते हैं और पढ़ते हैं। लेखक लिखते हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। तो जो 5 मित्र हैं लेखक के साथ, 4 उनके मित्र, उन्होंने तय किया कि हम शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। ठीक है, पन्ना से इसी कंपनी की बस, यानी उनको कहाँ पहुँचना है, उनको पन्ना पहुँचना है, वहाँ से वो इसी कंपनी की बस लेंगे। लिखा हुआ है ना, पन्ना से इसी कंपनी की बस, जिस कंपनी की बस में वो अब जा रहे हैं, शाम 4 बजे जाने की बात कर रहे हैं, इसी कंपनी की बस जो है पन्ना से उनको सतना के लिए मिलेगी घंटे भर बाद। ठीक है, यानी जब वो पन्ना पहुंच जाएंगे वहाँ घंटे भर बाद जो है उनको सतना के लिए बस मिलेगी जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, और वहाँ से वो जबलपुर के लिए ट्रेन जो है वो लेंगे। और जबलपुर, पन्ना, ये सब, ये जो है, ये क्षेत्र जो है ये कहाँ है, ये क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। सुबह घर पहुँच जाएंगे, ठीक है, और हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, यानी उनके 2 मित्रों को सुबह काम पर भी हाजिर होना था, उनको अपनी उपस्थिति वहाँ पर देनी थी, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। इसीलिए उन्होंने तय किया कि इसी रास्ते से, यानी इसी बस से हम जाएंगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, तो लोगों ने उनको समझाया कि इस बस से आप ना जाओ, इससे समझदार व्यक्ति जो है वो सफ़र नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, तो उन्होंने जो है मजाक में पूछा कि फिर क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं जो हम इस बस से ना जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, डाकू तो नहीं मिलते, लेकिन बस जो है वो डाकिन है। डाकिन क्या होता है, डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। डाकिन का मतलब क्या है कि यानी बस ही जो है, किसी डाकू की जरूरत नहीं है, बस अपने आप में ही डाकिन है। अब देखिए बस के बारे में उन्होंने ऐसा क्यों कहा, बस को देखो तो फिर क्या होता है कि जो लेखक हैं उनके 5 मित्र हैं वो बस के लिए जो है जाते हैं और वहाँ बस को देखते हैं। ठीक है, बस को देखते ही वो उनके मन से जो बात निकलती है, वो जो व्यंग्य जो बोलते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, श्रद्धा यानी आदर भाव। बस को देखते ही लेखक के मन से जो आदर भाव है उसकी भावना उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, वयोवृद्ध यानी बड़ी आयु वाली, यानी जो एज में बहुत बड़ी लग रही थी, उम्र उसकी बहुत ज़्यादा थी। सदियों के अनुभव निशान लिए हुए थी, यानी उसके ऊपर बहुत सारे जो है निशान पड़े हुए थे। ठीक है, जिससे ये पता चल रहा था कि ये बस बहुत ज़्यादा पुरानी है और इसीलिए लोग इसको डाकिन कहते हैं। लोग इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, यानी लोग जो है इसे सफ़र इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ये इतनी जो है बूढ़ी हो चुकी है, इतनी वयोवृद्ध हो चुकी है, बड़ी आयु वाली है, कि अगर इसके ऊपर सफ़र करेंगे तो इसको शायद कष्ट होगा, इसलिए लोग इस पर सफ़र करना नहीं चाहते। ठीक है, यह है बस पूजा के योग्य थी, यानी ये इतनी जो है आप कह सकते हो पुरानी थी, इतनी ज़्यादा इसकी आयु थी कि ये क्या थी, पूजा के समान थी।
तो उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, तो यानी फिर उस पर कैसे यात्रा की जा सकती है जो इतनी श्रद्धा के समान है, पूजा के योग्य है। यानी उन्होंने जिस तरह एक हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उसकी उनकी तुलना उस बस के साथ की है। जिस तरह हम अपने बड़े बुजुर्ग उनका उनका आदर सम्मान करते हैं, उनको पूजा के योग्य मानते हैं, ठीक है, तो वो उनकी तुलना जो है उन्होंने उस बस से की है। अब देखिए यहाँ पे शब्द मित्रता दी गई है। हाजिर का मतलब क्या है? मौजूद, उपस्थित। डाकिन मतलब डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप। वयोवृद्ध यानी बड़ी आयु वाली। वृद्धावस्था क्या होता है बेटा? बुढ़ापा। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। फर्स्ट क्या है? लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि वो लोग घर पहुंचना चाहते थे, 2 को सुबह हाजिरी देनी थी, इसलिए उन्होंने बस से जाने का निर्णय लिया। तो आइए देखते हैं बेटा इसका आंसर लिखेंगे कैसे। लेखक ने बस में जाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उन्हें सुबह घर पहुंचना था और 2 मित्रों को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए उनका जाना जरूरी था, तो इसीलिए लेखक ने बस में जाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों? तो देखिए लोगों ने उनको सलाह दी कि समझदार व्यक्ति जो है इस बस से इस समय यात्रा नहीं करते हैं। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा वो हमने अभी पढ़ा कि वो बस जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा वयोवृद्ध थी, तो ऐसे कुछ रीजन थे जिनके कारण उन्होंने ऐसा कहा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। लोगों ने लेखक को इस बस में यात्रा ना करने की सलाह दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत वो बहुत खराब है, बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए, शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उसके उनके अनुसार यह बस किसकी तरह थी? डाकिन की तरह है। तो ये रीजन था, ये कारण था कि जो लोग हैं वो उनको समझा रहे थे कि इस समय से यात्रा करना जो है वो समझदार लोगों का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग्य बातें कही हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग्य बातें कही हैं उन्हें आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बस को देखकर जो है श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध आप यहाँ पे अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि बस जो है खूब बड़ी आयु वाली थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी बस बहुत पुरानी थी। लोग इसलिए सफर नहीं करना चाहते कि बुढ़ापे में इसे कष्ट होगा। वृद्धावस्था की जगह आप अपने शब्दों में बुढ़ापा लिखेंगे, बुढ़ापे में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के समान थी और ऐसी पूजा के समान बस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो ये बातें जो है बेटा आप यहाँ आंसर 3 में लिखेंगे। यहीं से आप जो है थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं अपने शब्दों में, जो सिंपल शब्द हमारे होते हैं साधारण शब्द उनमें आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 4, अपनी कल्पना से घर में पड़ी हुई किसी भी पुरानी चीज को देखते हुए मजाकिया लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। तो सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे घर में भी ऐसी बहुत सारी पुरानी चीजें पड़ी हुई होती हैं जिनको देखकर हम कुछ ना कुछ मजाक जो है वो बना सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ जो है बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। तो मैं आपको उदाहरण के लिए इसका आंसर बता रही हूँ, आप अपनी मर्जी से किसी भी दूसरी वस्तु को लेकर इसका आंसर जो है वो लिख सकते हो। तो ये प्रश्न 4 का उत्तर रहेगा, मैं अपने घर में पड़े पुराने रेडियो की बात करूंगा। यह रेडियो इतना पुराना है कि मानो इसकी पूजा करने का मन करता है। जब यह चलता है तो ऐसा लगता है कि कोई गायक बोलने से पहले सोच रहा हो कि क्या बोलूं। चलते चलते कई बार आवाज ऐसी हो जाती है, रुक रुक कर चलता है, मानो चलने से पहले यह आज्ञा ले रहा है। जब यह चलता है तो हम सबको हंसी आ जाती है। तो कुछ इस तरह की बात जो है बेटा आपको लिखनी है। इसके अलावा आप और भी अपने घर में कोई चीज़ पुरानी वस्तु पड़ी है उसके बारे में भी लिख सकते हो। तो ये थी बेटा आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।